हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और संतोष वर्मा ब्लॉग। और देखिए, मैं नया कुछ बोलने की शुरुआत कर रही हूँ। अगर सही बोलूँ तो ठीक है और नहीं सही बोल पाऊँ तो उसके लिए सॉरी। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और देखिए, अगर मैं सही नहीं भी बोल पाऊँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि शुरुआत है मेरी, अभी नया नया सीख रही हूँ और सीखते सीखते तो बहुत कुछ सीख जाऊँगी। और यहाँ पे सुबह की शुरुआत हो चुकी है तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। नई सुबह एक ताजी उमंग के साथ में हम अपने किचन में आ गए हैं और सुबह की गर्मा गर्म फर्स्ट क्लास कड़क चाय बना रहे हैं और वही हम दो जने पीने वाले हैं। बच्चों को गर्मी के टाइम पे मैंने चाय देना बंद कर दिया है तो उनके लिए ठंडा दूध वगैरह दे देती हूँ मैं, जैसे ठंडा दूध होता है रूह अफ़ज़ा डाल के। और रूह अफ़ज़ा जब मैं लेके आई थी तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया था, तो वही रूह अफ़ज़ा डाल के मैं बच्चों को दूध में दे देती हूँ और ठंडा ठंडा दूध देती हूँ, तो उनको भी काफ़ी राहत रहती है बच्चों के लिए। और सही भी है, गर्मी में चाय नहीं देनी चाहिए। और आप लोग सोच रहे होंगे कि सुबह तो मैं साड़ी पहने हुए थी और अब उसके बाद मैं ड्रेस क्यों चेंज की है। तो जब मैं चाय पी रही थी तभी आंटी का फ़ोन आ गया, और आप लोग जानते ही हैं कि वो काम करती हैं तो ठीक है और नहीं तो उनका तो छुट्टियों का सबसे ज़्यादा सीज़न रहता है। तो बस उनका फ़ोन आ गया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अपने आप अपने घर का काम कर लेना। तो हम फिर ड्रेस चेंज कर चुके थे और करने के बाद में आ गए अपना पोछा लगाने के लिए, क्योंकि साड़ी में ना पोछा लगाना बन नहीं पाता है और उसमें तो लेस भी इतनी लंबी लगी हुई है ना कि उसके फुंदने पैरों में ही अटकते हैं। इसी वजह से मैंने साड़ी चेंज करके और फिर ये अपनी ड्रेस पहन ली है। और ड्रेस पहनने के बाद में फिर मैंने पोछा लगाया और पोछा लगाने के बाद में अब आ गई हूँ कपड़े धोने के लिए, क्योंकि देखिए कपड़े धोने भी बहुत ज़रूरी है। और मैंने मोप से पोछा लगाया था तो ये मोप मैंने धो के बाथरूम में ही रख दिया था जिससे कि वो सूख जाए, और वो सूख भी गया है तो उसको मैं अंदर रख देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है आप मुझे कमेंट करके बताइए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए, आपको एक बात और बताती हूँ, कल का ब्लॉग मैंने डाला जो था उसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। देखिए, मैंने ब्लॉग जैसे बनाती हूँ मैंने वैसे ही बनाया था, लेकिन अब पता नहीं क्या हुआ, उसमें बीच में से उसकी आवाज़ कट हो गई और इसी वजह से आप तक पूरी बात नहीं पहुँच पाई। लेकिन मेरी उसमें कोई गलती नहीं थी, पहले मैंने व्लॉग बनाया था फिर मैंने उसको पूरा सुना था और जब तक तो ठीक था, लेकिन जाने मोबाइल के अंदर क्या परेशानी आ गई और आप तक जब मैंने वो जो वीडियो डाली है तब उसकी आवाज़ जो थी, वॉइस जो था वो बंद हो गया और पता नहीं क्या क्या उसमें सुनाई दे रहा है और रील चल भी रही है और समझ नहीं आ रहा कुछ भी। और ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि व्लॉग डालने के बाद में मैं भी देखती हूँ, फिर क्या कर सकती हूँ, अब मैं कुछ कर भी नहीं सकती थी और दोबारा चेंज कर नहीं पा रही थी मैं, क्योंकि फिर मैं ब्लॉग डाल चुकी थी और जब मेरी बहनें देख लेती हैं तो फिर बाद में उसे डिलीट करके और अपलोड करना फिर ठीक नहीं लगा मुझे। अब मैंने कहा जैसा भी है रहने देती हूँ और अपनी बहनों से तो मैं सॉरी बोल ही लूँगी और वो मेरी बात समझ भी जाएंगी। और बाथरूम की मैंने ये जो बाल्टी है ये भी मांज दी है और ज़्यादातर मैं इसे ना रोज़ ही मांजती हूँ, एक आध दिन छूट जाए तो देखिए कहती नहीं हूँ, लेकिन हाँ वैसे मैं रोज़ इन्हें साफ़ करती रहती हूँ बर्तनों को। जो ये मग्गा बाल्टी है इसे मैं रोज़ मांजती हूँ क्योंकि बाथरूम में नहाते धोते हैं, तो इस वजह से इसे रोज़ साफ़ करती हूँ और 2 सेकंड नहीं लगते इसको साफ़ करने में और ये एकदम चमचमाती रहती है। और मेरे इतनी देर में कपड़े भी भीग गए थे तो पानी में से मैंने पहले ही निकाल दिए थे, आप लोगों को पता ही है, और उसका मैल मिट्टी सब निकाल दिया था। और फिर मैंने इजी और ये जो तुम्हारा कंफर्ट है इन दोनों को मिला के और मैंने कपड़े भिगोने के लिए रख दिए थे। जब तक ये मेरे भीगे और जब तक मेरी बाल्टी बाथरूम सब साफ भी हो गया, और अब इन्हें फटाफट से हाथों से रगड़ रगड़ के इन्हें साफ़ कर दूँगी, क्योंकि हल्के हल्के कपड़े हैं, ये लोअर टी शर्ट ही हैं और गर्मी में सब लोअर टी शर्ट ही ज़्यादातर पहन रहे हैं और बच्चे भी इस टाइम स्कूल नहीं जा रहे जो कि यूनिफॉर्म हो, तो बस ये लोअर टी शर्ट सुबह पहनते हैं और शाम तक पहने रहते हैं और फिर शाम को नहा नहा के दूसरा चेंज कर लेते हैं। तो इसी तरह से ये एक एक दो दो जोड़ी फालतू हो जाते हैं कपड़े, और बस इन्हें जल्दी से हाथ से मीड़ के मैंने धो भी दिया और अब पानी में से भी निकाल दूँगी।
इस तरह से मैं कपड़े धोती हूँ तो मुझे बड़ा आराम रहता है कपड़े धोने में, और कपड़े मेरे इकट्ठे भी नहीं होते हैं। तो डेली वगैरह वाले कपड़े तो मैं आप लोगों के साथ में देखिए कहती हूँ कि हाँ मैं रोजीना ही धो देती हूँ, लेकिन ये है कि कभी आपको के साथ में शेयर कर देती हूँ और कभी आप लोगों के साथ में शेयर नहीं करती। लेकिन हाँ, कपड़े धोने का तो रोज़ का काम है और सभी जानते हैं इस बात को कि कपड़े तो रोज़ ही धुलेंगे, और गर्मियों में ना कुछ पसीनों की भी स्मेल हो जाती है, इस वजह से भी कुछ ज़्यादा ही हो जाते हैं कपड़े धुलने के लिए। तो बस मैंने उसमें कम्फर्ट डाल देती हूँ ना, तो कम्फर्ट की जो स्मेल होती है ना बड़ी खुशबूदार होती है, और उससे ना एक कपड़ों में नई ताजगी सी आ जाती है, ऐसा लगता है जैसे मानो वो लगा लिया हो हमने परफ्यूम। तो इसीलिए मैं कम्फर्ट डाल देती हूँ और ये पूरा परफ्यूम का काम करता है, और बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, और इसमें भी ना कई फ्लेवर आते हैं, मतलब गुलाब का भी है और रोज़मेरी का भी है, लिली का भी है, तो कितनी तरह के इसमें आते हैं खुशबूदार, और आप में से जो भी चाहें वो आपकी पसंद के ऊपर है। तो बस मैंने अपने कपड़े वॉश कर लिए हैं, और वॉश करने के साथ में अब बाथरूम की भी क्लीनिंग कर दूँगी, और यहीं पर मैंने सारे टूल रख रखे हैं बाथरूम में ही, तो मैंने कॉर्नर भी लगा रखा है और साइड में दो सेल्फ भी हैं मेरे पास में। इसी तरह से मैं अपना सारा सामान रख लेती हूँ, और रखने के बाद में जो बाथरूम है हैंड टू हैंड साफ़ कर देती हूँ, तो इसी तरह से मेरा बाथरूम बिल्कुल चमकता रहता है। और रही बात डीप क्लीनिंग की, तो वो तो मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ कि हफ्ते में या दो हफ्ते में मैं इसको पूरी तरह से डीप क्लीनिंग कर देती हूँ। और वैसे मैं जब भी काम करती रहती हूँ ना, थोड़ा थोड़ा क्लीनिंग करती भी रहती हूँ, जिससे कि मेरे लिए बर्डन ना पड़ जाए। देखिए, अगर मेरा ही काम है और मुझे ही वजन हो जाएगा काम करने में, तो फिर मैं काम नहीं कर पाऊँगी। और अभी मैं कपड़े धो रही थी ना, तो बैठे बैठे मेरे एकदम इतनी तेज़ पेट में दर्द हुआ ना कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। धीरे धीरे पहले से ही हो रहा था, लेकिन मैं उसे इग्नोर कर रही थी, और फिर तो दर्द बढ़ता ही चला गया। और फिर भी मैं नहाने के लिए चली गई दर्द में ही, लेकिन जब नहा के आई ना तो बहुत तेज़ दर्द हो रहा था। और ये दोनों की देखो मस्ती चालू है, ये सारा दिन इसी तरह से मस्ती करते रहते हैं और मुझे परेशान करते रहते हैं। और आप लोग देख रहे हैं ना, ये दोनों कितनी मस्ती कर रहे हैं, और ये बहुत देर से इसी तरह से मस्ती कर रहे हैं और मेरे काम की बिल्कुल नहीं सुनते हैं। कहती रहूँगी, आवाज़ मारती रहूँगी, यश शानो सुन लो कुछ बात की, लेकिन मजाल है जो ये बिल्कुल भी सुनने को तैयार हो रही हूँ। और बाहर कोई आया है, उधर हमारे काम चल रहा है, मैंने बताया ना आपको कि हमारा घर बन रहा है, तो वहाँ पे काम चल रहा है, तो कोई ना कोई आता रहता है और बेल बजाते हैं, लेकिन ये लोग सुनते नहीं हैं। और इधर मेरे पेट में भी इतना तेज़ दर्द हो रहा है ना कि मेरे पे चलना फिरना खड़ा होना भी बड़ा मुश्किल पड़ रहा है। और आज तो मैं सच में व्लॉग बनाने के बिल्कुल मूड में नहीं थी, लेकिन फिर भी देखिए अब मैंने व्लॉग इसीलिए बनाया कि आप लोग भी शायद इंतज़ार करते हो मेरे व्लॉग का, तो इसी वजह से बस मैंने व्लॉग बनाया था, बाकी तो मेरा बिल्कुल मन नहीं था बनाने का। और जब मैं काजल लगा रही थी तब तो इतना तेज़ दर्द पेट में होने लगा कि फिर तो बर्दाश्त से बाहर हो गया था। बस मैंने काजल लगाया और लगाने के बाद मैं जाके आराम करने लग गई। फिर शाम से मैंने मेडिसिन मंगाई अपने लिए, गोली जिसे कहते हैं, एक गोली मंगाई मेडिकल से, और मेडिकल से गोली खा के और मैं लेट गई। लेकिन दर्द मेरे बिल्कुल पेट का दर्द बंद नहीं हुआ, और मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे पेट में एकदम अचानक दर्द कैसे हुआ। सारा दिन मैं इतना परेशान रही कि बस मैं बता नहीं सकती आपको। और ये जो मैंने सवेरे कपड़े धोए थे और ये मैंने फिर बाहर ही सुखा दिए थे, ऊपर छत की तरफ को ऊपर वाली बीच वाली फ्लोर पे नहीं गई थी, बाहर ही सुखा दिए थे, और ये सूख भी गए हैं क्योंकि गर्मी का टाइम है, कहीं भी डाल दो कपड़े सूख जाते हैं। देखिए मेरे यहाँ बालकनी नहीं है, मैंने आप लोगों को बता रखा है, लेकिन हाँ मैं तार वार पे इधर उधर करके कपड़े सुखा देती हूँ, और गर्मियों में कपड़े अच्छे से सूख भी जाते हैं, तो बस उन्हें ही उतार के ले आई हूँ और उन्हें अब फोल्ड करके रख दे रही हूँ, नहीं तो फिर ये इकट्ठे हो जाएंगे। और शानू यश ने ही आज घर का काम भी किया। अब देखिए थोड़ा बहुत अपने डैडी को देख देख के बच्चे भी सीख गए हैं काम करना, तो वही उन्होंने भी फॉलो किया।
हस्बैंड चले गए अपने काम पे और बच्चों ने ही फिर चाय नाश्ते का डिपार्टमेंट संभाला और फिर मुझे भी नाश्ता कराया। तो फ्रेंड्स, फिर मिलूंगी अगले व्लॉग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।